हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राउड टू बी ए नर्स। आज का टॉपिक है इमेज बेस्ड एमसीक्यू पार्ट वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? डिसेक्टिंग फोर्सेप्स, ऑप्शन बी डायलेटर, ऑप्शन सी स्पैटुला एंड ऑप्शन डी बीपी हैंडल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बीपी हैंडल। तो बीपी हैंडल क्या है? बीपी हैंडल मींस बार्ड पार्कर। बार्ड पार्कर हैंडल, तो ये क्या होता है? इसमें एक शार्प ब्लेड होता है और यूज़ होता है ये फॉर सर्जरी या एनाटॉमिकल डिसेक्शन के लिए। ये रीयूजेबल होता है और डिस्पोजेबल भी होता है। तो जो रीयूजेबल होता है वो मेटल का होता है, और जो डिस्पोजेबल होता है वो उसका हैंडल प्लास्टिक का होता है, ये हैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मैन्यूवर? ऑप्शन ए हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, ऑप्शन बी जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर, ऑप्शन सी हेमलिज मैन्यूवर एंड ऑप्शन डी कैरोटिड पल्स एग्जामिनेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर। इसमें क्या होता है? ये यूज़ करते हैं टू ओपन द एयरवे ऑफ पेशेंट, जैसे कि हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट में करते हैं, सेम इसमें भी ऐसे करते हैं। बस इसमें क्या होता है, इसमें टंग फॉरवर्ड की तरफ की जाती है जिससे कि क्लियर हो एयरवे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? स्टेथोस्कोप है, फिटोस्कोप है, ऑप्शन सी आर्थ्रोस्कोप है, ऑप्शन डी इंडोस्कोप है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये फीटोस्कोप है। ये स्टेथ की तरह लग रहा है और ये फीटोस्कोप, तो ये होता है फीटोस्कोप। इसका यूज़ क्या होता है? इसमें लिसनिंग करते हैं फीटल हार्ट बीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, विच पोजीशन इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग हेयर? कौन सी पोजीशन यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट हो रही है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रिकवरी पोजीशन, ऑप्शन बी सिम्स लेटरल पोजीशन, ऑप्शन सी डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन एंड ऑप्शन डी नी चेस्ट पोजीशन। तो इसका राइट आंसर है रिकवरी पोजीशन। तो रिकवरी पोजीशन में क्या होता है? रिकवरी पोजीशन तीन फेजेस में होती है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये पोजीशन होती है रिकवरी पोजीशन। तो इस पोजीशन में क्या होता है, इसमें कोई भी पेशेंट अगर अनकॉन्शियस होता है वो ब्रीदिंग तो कर रहा है लेकिन उसमें और कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, तो उसको ये पोजीशन देते हैं अगर वो अनकॉन्शियस हो। इससे क्या होता है, उसका एयरवे क्लियर होता है और ओपन रहता है, जिससे अगर कोई भी वॉमिट वगैरह होती है या कोई भी फ्लूड रिफ्लेक्स होता है तो वो चोक नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ दिस मशीन, कार्डियक मोनिटर, ऑप्शन बी डिफिब्रिलेटर, ऑप्शन सी पल्स ऑक्सीमीटर एंड ऑप्शन डी पोर्टेबल वेंटिलेटर। तो ये मशीन कौन सी है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? आर्टरी फोर्सेप्स, ऑप्शन बी एलिस फोर्सेप्स, ऑप्शन सी ग्रीन आर्मिटेज एंड ऑप्शन डी बैबकॉक फोर्सेप्स। तो इसका राइट आंसर है, ये है बैबकॉक फोर्सेप्स। तो बात कर लेते हैं बैबकॉक फोर्सेप्स किस लिए यूज़ होता है। ये किस लिए होता है? यूज इन इंटेस्टाइनल या लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर में यूज़ होता है। इससे क्या करते हैं, ग्रेस्प करते हैं सॉफ्ट टिश्यूज को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी ई टी CO2 मोनीटर, ऑप्शन सी ET कफ प्रेशर मैनोमीटर एंड ऑप्शन डी सक्शन एपरेटस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ET कफ प्रेशर मैनोमीटर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइडेंटिफाई दी एबनॉर्मल ECG फाइंडिंग्स। एबनॉर्मल ECG फाइंडिंग करनी है इसमें। ऑप्शन ए है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, ऑप्शन बी आर्टेरियल फिब्रिलेशन, ऑप्शन सी ST सेगमेंट एलिवेशन एंड ऑप्शन डी साइनस ब्रेडिकार्डिया। तो इसमें क्या शो हो रहा है,
इसमें हो रहा है एसटी सेगमेंट एलिवेशन। तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन में क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन को, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को ये इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। और इसमें क्या होता है, इसमें इंटरवल होते हैं बिटवीन वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दिस सैंपल बॉटल। ये कौन सी सैंपल बॉटल है, इसके ऑप्शन है यूरिन बॉटल, ऑप्शन बी ब्लड कल्चर बॉटल, ऑप्शन सी CSF कल्चर बॉटल एंड ऑप्शन डी सिट्रेट बॉटल। इसका राइट आंसर है बी ब्लड कल्चर बॉटल, इसमें ब्लड कल्चर बॉटल होता है। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई दिस मशीन। ये मशीन कौन सी है, इसके ऑप्शंस हैं डायलिसिस मशीन, ऑप्शन बी मैकेनिकल मशीन, ऑप्शन सी पोर्टेबल वेंटिलेटर एंड ऑप्शन डी इन्फेंट इंक्यूबेटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह है इन्फेंट इंक्यूबेटर। तो इसमें क्या होता है इन्फेंट इंक्यूबेटर में, इसमें हीटर भी होता है और एक फैन भी होता है और एक कंटेनर होता है जिसमें वाटर हम ऐड कर सकते हैं जो कि ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है, और इसमें कंट्रोल वॉल्व भी होता है फॉर ऑक्सीजन। तो क्या क्या होगा, इसमें हीटर होता है, इन्फेंट इंक्यूबेटर में हीटर हो गया और फैन होता है और वाटर के लिए कंटेनर होता है और कंट्रोल वॉल्व होती है, कंट्रोल वॉल्व जो कि ऑक्सीजन के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई दिस आइटम इन दिस इमेज। तो ये आइटम कौन सा है, इसके ऑप्शन है एम्ब्यू बैग, ऑप्शन बी एंडोट्रेकियल ट्यूब, ऑप्शन सी लेरिंजियल मास्क एयरवे एंड ऑप्शन डी फ्लेक्सोमेटेलिक ट्यूब। इसका राइट आंसर है लेरिंजियल मास्क एयरवे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो लेरिंजियल मास्क एयरवे क्या होता है, इट कीप्स ए पेशेंट एयरवे ओपन, ये पेशेंट के एयरवे को ओपन रखता है ड्यूरिंग एनेस्थीसिया या अनकॉन्सियसनेस। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इसके ऑप्शन है ट्रोकार, ऑप्शन बी यूट्राइन साउंड, ऑप्शन सी नी हैमर एंड ऑप्शन डी रिट्रैक्टर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह है नी हैमर। तो ये किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है न्यूरोलॉजिकल फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। इसमें क्या टेस्ट करते हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, इसमें रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। नेम ऑफ दिस आइटम, ऑप्शन ए स्कैल्प वेन सेट, ऑप्शन बी आईवी सेट, ऑप्शन सी स्पाइनल नीडल एंड ऑप्शन डी आईवी कैनुला। तो ये क्या है, ये होता है स्कैल्प वेन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दिस मशीन। ये मशीन कौन सी है, ऑप्शन ए मैकेनिकल वेंटिलेटर, ऑप्शन बी पोर्टेबल वेंटिलेटर, ऑप्शन सी सक्शन मशीन एंड ऑप्शन डी डायलिसिस मशीन। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डायलिसिस मशीन है ये। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, इससे मैं अगर कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उससे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, आई वी कैनुला, ऑप्शन बी वेसल डायलेटर, ऑप्शन सी लंबर पंक्चर नीडल एंड ऑप्शन डी लॉन्ग नीडल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ये लंबर पंक्चर नीडल होती है। आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, इसके ऑप्शंस हैं वेजाइनल स्पेकुलम, ऑप्शन बी सिम्पसन ऑब्स्ट्रेक्टिकल फोरसेप्स एंड ऑप्शन सी बोन होल्डिंग फोरसेप्स एंड ऑप्शन डी स्कल रिट्रैक्टर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये है सिम्पसन ऑब्स्ट्रेक्टिकल फोरसेप्स। तो ये किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है फॉर चाइल्ड बर्थ। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाट काइंड ऑफ फ्यूचर मटेरियल इज इन दिस इमेज, कौन सा फ्यूचर है इसमें? इसके ऑप्शन है नेचुरल एब्जॉर्बेबल फ्यूचर, ऑप्शन बी सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल फ्यूचर, ऑप्शन सी नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल फ्यूचर एंड ऑप्शन डी सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल फ्यूचर। तो ये कौन सा फ्यूचर है? इसमें विक्राइल दिया हुआ है, तो विक्राइल फ्यूचर कौन से होते हैं? सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल फ्यूचर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो विक्राइल फ्यूचर कौन से होते हैं? सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल फ्यूचर। आइडेंटिफाई दिस मशीन, ये मशीन कौन सी है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए आईवी फ्लूड इन्फ्यूजन मशीन, ऑप्शन बी सिरिंज इन्फ्यूजन पंप एंड ऑप्शन सी वार्मर मशीन, ऑप्शन डी ड्रग डोजेस कैलकुलेटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिरिंज इन्फ्यूजन पंप है ये। आइडेंटिफाई दी ईसीजी रिदम, इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए साइनस टैकीकार्डिया, ऑप्शन बी आर्टेरियल फ्लटर, ऑप्शन सी सिक्स साइनस सिंड्रोम एंड ऑप्शन डी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो इसमें क्या है, इसमें क्या हमें शो हो रहा है? इसमें हमें शो हो रहा है आरएसटी, क्यूआरएसटी शो हो रहा है हमें। तो इसमें क्या होता है, ये आर है, तो आर के बीच में जो स्क्वायर्स हैं तो बिग स्क्वायर्स होते हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं 300 से। तो इसमें बिग स्क्वायर कितने हैं? 2 हैं, तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 150 आएगा। तो ये क्या होगा? टैकीकार्डिया। तो ये पल्स आती है टैकीकार्डिया, और इसमें क्या होता है, ये वेंट्रिकुलर होता है। जो क्यू आर एस टी सेगमेंट होता है वो वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, विच असेसमेंट इज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन दिस इमेज, इस इमेज में कौन सा असेसमेंट हो रहा है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ऑप्शन बी हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, ऑप्शन सी डॉल्स आई एग्जामिनेशन एंड ऑप्शन डी आईसीपी मॉनिटरिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉल्स आई एग्जामिनेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं डॉल्स आई एग्जामिनेशन में क्या होता है, इसमें ऑक्यूलोसिफेलिक रिफ्लेक्स चेक करते हैं, ऑक्यूलोसिफेलिक रिफ्लेक्स चेक करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हेड को मूव कराते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और आई हेड को मूव कराएंगे और आई जो है वो मूव करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये होता है पॉजिटिव साइन डॉल्स आई एग्जामिनेशन का। तो इसमें क्या क्या चेक करते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, इसमें क्रेनियल नर्व 3, 6 और 8 चेक करते हैं, क्रेनियल नर्व 3, 6 और 8। तो 3, 6 और 8 कौन सी नर्व होती है? 3 होती है ऑक्यूलोमोटर, 6 होती है एब्ड्यूसेंस और क्रेनियल नर्व 8 होती है वेस्टिबुलो कॉक्लियर। एक क्वेश्चन और है, इसमें ऐड किया गया है, आइडेंटिफाई दिस आइटम, ये आइटम कौन सा है? इसके ऑप्शन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, ऑप्शन बी पीडियाट्रिक ड्रिप सेट एंड ऑप्शन सी आईसीटी किट, ऑप्शन डी नेबुलाइजर किट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पीडियाट्रिक ड्रिप सेट है ये। ये लास्ट क्वेश्चन था, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।